नमस्कार, स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। सिरवी समाज की आराध्य देवी आई माता का प्रकट उत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया। समीपस्थ गांव गोपालपुरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए समाजजनों ने पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान जयकारों और धार्मिक भजनों से माहौल धर्ममय बना रहा। समाज के मनोज हम्मर, संतोष मुकाते आदि ने बताया, सिरवी समाज खेती किसानी पर आधारित है। माता के आशीर्वाद से प्रगतिशील किसान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माता की ऐसी कृपा समाज और देशवासियों पर बनी रहे ऐसी कामना की गई। सुबह करीब 11 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें पालकी में माता जी की तस्वीर विराजित की गई। शोभा यात्रा की अगुवाई धर्म ध्वजा और दीप लिए समाजजनों ने की। उत्साही महिलाओं युवतियों ने गरबा नृत्य कर माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। गांव में भ्रमण कर महाआरती की। शाम को घर घर दीप जलाए गए। भंडारे के बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ। हसम खत्री, आज तक 24 न्यूज। में प्रकट हुए थे और सिरवी समाज को उन्हीं की देन है, जो राजस्थान से चलकर निमार तक और पूरे भारत के हर एक राज्यों में, देशों में, जिलों में भारत की प्रसिद्धि फैली आई माता की। और आज 609वां प्रकट उत्सव माता जी का मना रहे हैं और सात्विक जीवन जीते हैं सिरवी समाज और सभी एकता का संदेश देते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए भी हम ये संदेश देंगे कि सभी आई माता के नियम पालन का अनुसरण करें और समाज के उत्कृष्ट कार्यों के लिए आगे बढ़े। आज किस तरह का आयोजन हो रहा है जन्मोत्सव? आज माता जी का प्रकट उत्सव का कार्यक्रम है, इसमें सभी स्वजाति बंधु सब इकट्ठे होकर माता बहने बच्चे युवा पीढ़ी और माता का भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकलती है दीप ज्योति रख के और शाम को आरती के बाद भंडारा और प्रसादी होती है। ये सिरवी समाज के मंदिर से हनुमान मंदिर से लेके मांगलिक भवन तक सिरवी समाज। क्या नाम है आपका? संतोष चंद मुकाते। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।